नागपुर शहर के मानकापुर क्षेत्र में अपराधी वृत्ति के दो लोग जो कि आपस में मित्र हैं, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मानकापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों अपराधियों को 8 फरवरी की रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि तुषार अनिल शर्मा उम्र 22 साल जनता हॉल के सामने गंगानगर बस्ती थाना मानकापुर क्षेत्र के आसपास गंगानगर बस्ती में 21 वर्षीय रोहित उर्फ करण पुरुषोत्तम के पास मोटरसाइकिल पर सवार इंगोले लेआउट के मिला। वहीं यह दोनों आरोपी आपराधिक वृत्ति के हैं और पहले से भी इनके बीच कहासुनी हुई थी। इस कारण दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गाली गलौज की और झगड़कर एक दूसरे को मुक्के मारने के बाद रोहित ने तुषार की आंखों और माथे पर कांच की टूटी बोतल से मारने की नीयत से उस पर वार कर दिया। साथ ही तुषार ने जमीन से एक पत्थर उठाया और रोहित को मारने की नीयत से उसके सिर पर 3 जगह वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों का मेयू अस्पताल में इलाज कराया गया और एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना मानकापुर में धारा 307 294 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अलग अलग अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है। काल रात्रि 9:30 दरम्यान एक तुषार शर्मा नावाचा मुलगा 22 वर्षाचा तो पोलीस स्टेशनला जखमी अवस्थेत आला होता। त्याच्याकडून माहिती घेतली असता तुषार शर्मा आणि दुसरा एक आरोपी आहे करण उर्फ रोहित नौकरिया हे यांच्यामध्ये क्षुल्लक कारणावरून बाचाबाची झाली व त्यांची आपसात भांडण होऊन मारामारी झाली असं त्यांनी सांगितलं होतं। तो जखमी असल्यामुळे तात्काळ त्याला मेयो हॉस्पिटलला इथे पाठवलं उपचार कामी। त्यावेळेसच आम्हाला माहिती भेटली की करण नौकरियासुद्धा मेयो हॉस्पिटल इथे उपचार कामी मित्रासोबत गेलेला आहे। त्यावरून तत्काळ त्याची पण माहिती आम्ही घेतली। दोघांचे रेकॉर्ड पूर्व रेकॉर्ड तपासले असता त्यावर मारामारीचे चोरीचे जबरी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि उपचार झाल्यानंतर दोघांनाही पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात आम्ही त्यांच्या विरुद्ध कलम 307 नुसार क्रॉस FIR दाखल केलेली आहे। दोन्ही आरोपी अटक असून त्यामध्ये पोलीस कस्टडी रिमांड घेऊन आम्ही पुढील तपास करतो। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।